बात करते हैं अब लखनऊ की, जहां पर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष शेखर दीक्षित ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान आप जिला अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। शेखर दीक्षित ने ईडी द्वारा संजय सिंह की गिरफ्तारी पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। शेखर दीक्षित ने कहा कि संजय सिंह की गिरफ्तारी अलोकतांत्रिक है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। आने वाले दिनों में 4 राज्यों में चुनाव है, मोदी सरकार हार रही है, इसीलिए फर्जी तरीके से संजय सिंह की गिरफ्तारी की गई है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि विगत 2-3 दिन पहले संजय जी की गिरफ्तारी ईडी के द्वारा करी गई, जो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है और वो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक तरीक़ा अपना के बनाया जा रहा है, आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जब राज्यों के 3-4 राज्यों के चुनाव निकट आ गए हैं, उस समय संजय जी को उन राज्यों में जाना था प्रचार प्रसार के लिए। मोदी सरकार हार रही है, लगभग सभी जगह ये दिख रहा है साफ साफ कि मोदी सरकार जो है लगातार ग्राफ गिर रहा है और जनता उससे नाराज है। तो इसके लिए जितने भी लोग जो मुखर हैं, जो प्रखर वक्ता हैं, आप जानते हैं कि देश में संजय जी इस समय इंडिया गठबंधन हो या बाकी चीज़ें हो, उसमें बहुत तेज़ी से आगे थे, हर चीज़ को उन्होंने बनाने का काम किया, तो उनको फर्जी तरीके से शराब घोटाले में डाल करके उन्होंने जो है बंद करने का काम किया। 12 घंटे की लगातार पूछताछ की, पूरे घर का एक एक कोना छाना गया, पूरे घर में एक एक से पूछताछ करी गई, कुछ भी बरामद नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी ने कोई सम्मन नहीं दिया, बिना सम्मन के तहत इस तरीके की कार्रवाई करी। ईडी और सीबीआई लगातार अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती आ रही है और अपने जो शक्तियां मिली हैं उनको सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए एक निजी भाजपा की तरह काम करने का काम कर रही है, यूज़ करने का। तो हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है, लगभग सभी पार्टियाँ इसका विरोध कर रही हैं जो हमारे साथ इंडिया गठबंधन में हैं।